वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। आज हम बात करेंगे एचपी जीके के बारे में। तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा एचपी के बारे में, बाकी डिटेल में हम आगे की वीडियोस में जो है वो पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एचपी का मीनिंग, हिमाचल का जो है वो आपका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो हिमाचल जो है आपका वो टू वर्ड से मिलके बना है, हिम और आंचल। हिम का मतलब होता है आपका बर्फ और आंचल का मतलब होता है आपका गोद या फिर पर्वत। तो इसको बोला जाता है लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन, मीन्स कि बर्फ से घिरा हुआ पर्वत या फिर बर्फ की गोदी में बसा हुआ। तो ये आपका एचपी का हिमाचल का सॉरी मीनिंग है। और जो आपका हिमाचल है वो वेस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। जो आपका हिमालय उसको तीन जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है ईस्टर्न हिमालय, सेकंड है आपका सेंट्रल हिमालय, और फोर्थ जो है वो आपका है वेस्टर्न हिमालय। तो एचपी जो है वो आपका वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है वो आपका वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। और जो आपका एचपी है इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, इसका रेशांक कितना है, तो आपका जो एचपी का लॉन्गिट्यूड है वो 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड से लेके 79 डिग्री 4 मिनट और 55 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, मीन्स कि आपका पूर्वी अशांक है। और जो अशांक रेशांक है, और जो आपका एचपी का लैटिट्यूड है जिसको आप बोलते हैं अशांक, तो एचपी का जो अशांक है वो आपका 32 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से लेके 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकंड जो है वो आपका उत्तरी देशांक अशांक जो है वो आपका एचपी का है। तो लॉन्गिट्यूड जिसको रेशांक बोला जाता है, लैटिट्यूड जिसको अशांक बोला जाता है, तो वो आपका ये है एचपी का। ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी काफी बार, तो इनको आप याद रखिए। या तो आपसे कंप्लीट पूछा गया होगा, या तो आपका सिर्फ मिनट तक जो ही आपका सॉरी या तो आपका सिर्फ मिनट तक जो है वो आपका पूछा गया होगा, तो दोनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एचपी जो है वो उसका इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर किस किस के साथ है। एचपी जो है सिर्फ एक कंट्री के साथ जो है वो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाता है वो आपका तिब्बत ईस्ट में बनाता है, पूरम में बनाता है। और एचपी की तीन दो डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी वो तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर बनाती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है तिब्बत के साथ, किन्नौर और लाहौल स्पीति। या तो आपके ऑप्शन में किन्नौर दिया गया हो तो लाहौल स्पीति, या तो दोनों दिए होंगे, या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया होगा कि हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अलावा कौन सी डिस्ट्रिक्ट तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। तो कौन बनाता है आपका लाहौल स्पीति और किन्नौर तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर। ये एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है एचपी का तिब्बत के साथ, जो आपका कहाँ पे है, ईस्ट साइड में है, पूरब में है। और पश्चिम में आपका एचपी पंजाब के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। और पंजाब, ये आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि एचपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। तो एचपी की पांच डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ अपना बॉर्डर बनाती है पश्चिम में, तो वो है आपका सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा जो है वो अपना बॉर्डर बनाती हैं एचपी के। एचपी की ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब के साथ वेस्ट में बॉर्डर बनाती है। और नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल अपना बॉर्डर बनाता है, मीन्स कि उत्तर में हिमाचल जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। जो आपका कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो चंबा और कांगड़ा जो है आपका जम्मू कश्मीर के साथ अपना बॉर्डर बनाती है नॉर्थ में। और साउथ में आपका पड़ता है हरियाणा, दक्षिण में एचपी जो है वो हरियाणा के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। एचपी की टू डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा के साथ अपना बॉर्डर बनाती है, वो कौन कौन सी है, सोलन और सिरमौर जो हरियाणा के साथ अपना बॉर्डर बनाती है दक्षिण में। और यूपी जो है वो भी आपका साउथ में ही पड़ता है एचपी के। तो एचपी जो है वो साउथ में दो स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, हरियाणा और यूपी। तो एचपी की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के साथ अपना बॉर्डर बनाती है वो है आपकी सिरमौर। उसके बाद आपका आता है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में हिमाचल उत्तराखंड के साथ अपना बॉर्डर जो है वो बनाता है। और एचपी की कौन कौन सी, तो एचपी की तीन डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के साथ अपना बॉर्डर बनाती है, वो है आपके पास किन्नौर, शिमला और सिरमौर। क्योंकि आप ये आपका है नॉर्थ, यहाँ पे आपका साउथ, यहाँ पे आपका ईस्ट और यहाँ पे आपका वेस्ट। तो यहाँ पे आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर, और साउथ में आपका पड़ गया हरियाणा और यूपी, और ये आया आपका वेस्ट, वेस्ट में आपका पड़ता है पंजाब, और ये आपका ईस्ट, और जो ईस्ट में है आपका वो आपका पड़ता है
तिब्बत जो आपका इस तरह से जो है, इस तरह से जो है वो आपका, तो यहाँ पे आपका आता है लाहौल स्पीति और यहाँ पे आपका आता है किन्नौर। तो ये दो जो है वो आपके तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर। तो HP जो है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर बनाती है HP में। तो HP में मैक्सिमम जो है आपका कांगड़ा और मंडी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, और सबसे कम बॉर्डर है चंबा और सिरमौर का जो 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। तो इन दोनों का जो है वो आप याद रख लीजिएगा कि कुल्लू जो मंडी जो है वो आपका किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। तो मैक्सिमम 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो अपना बॉर्डर बनाता है, वो 6 डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन कौन सी हैं। तो मंडी जो है वो आपका कुल्लू के साथ कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला और सोलन के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। और जो आपका कांगड़ा है वो चंबा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू और लाहौल स्पीति के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। और जो आपका चंबा है वो कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। और जो आपका सिरमौर है वो शिमला और सोलन के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। तो मैक्सिमम आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आपका मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है आपके, जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर। तो मैक्सिमम आपके पास कांगड़ा और मंडी जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर बनाती है, और चंबा और सिरमौर मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो अपना बॉर्डर बनाती है। तो इन चारों की डिस्ट्रिक्ट तो किन किन के साथ ये बॉर्डर बनाते हैं आपके, वो याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मंडी जो है वो कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला और सोलन के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। जो आपका कांगड़ा है वो चंबा, मंडी, हमीरपुर, ऊना और कुल्लू और लाहौल स्पीति के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। जो आपका चंबा है वो कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। और जो आपका सिरमौर है वो शिमला और सोलन के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा जो आपकी बाकी की डिस्ट्रिक्ट बची है वो आपकी हमीरपुर, तो हमीरपुर जो है वो आपका कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और ऊना के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। जो आपका ऊना है वो कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। जो आपका बिलासपुर है वो ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। और जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। उसके बाद आपका आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो कुल्लू, किन्नौर, मंडी, सोलन और सिरमौर के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। जो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। और जो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वो चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर के साथ अपना बॉर्डर बनाती है। जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला के साथ जो है वो अपना बॉर्डर बनाती है। इसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि इसके बाद हमारे पास जो है वो आता है एरिया ऑफ HP। तो HP का एरिया कितना है, HP का टोटल एरिया है वो है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो इंडिया के टोटल एरिया का 1.7% था। और 2000 ये आपका पूरा किस के अकॉर्डिंग है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका है, 2011 की जनगणना के बेसिस पर जो वो आपका डाटा है ये। और जो आपका HP था तो वो था आपका 80th पोजिशन पे था 29 स्टेट में से, और 28 स्टेट में से जो था वो 70th पोजीशन पर था HP एरिया वाइज। और सबसे कम एरिया कहाँ का है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि HP में सबसे कम एरिया किसका था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो हिमाचल में जो है वो आपका हमीरपुर जो है इसका एरिया सबसे कम है, इसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, वो कितना है आपका, दो HP का जो एरिया है वो है आपका 1,118 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल HP के एरिया का 2.0%। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों से आपको क्वेश्चन या तो परसेंटेज में दिया होगा आपका, एग्जैक्ट पूछा होगा कि कितना स्क्वायर किलोमीटर है। और लार्जेस्ट एरिया कौन सा है आपका, तो एरिया वाइज जो है वो आपका लाहौल स्पीति जो है वो इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका लाहौल स्पीति का एरिया, जो कितना है आपका 13,835 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल HP की पॉपुलेशन का 24.85%। तो दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, या तो परसेंटेज से पूछा होगा या तो एग्जैक्ट पूछा होगा। इसके अलावा हमारे पास आता है आपका जो आपका लाहौल स्पीति है एरिया वाइज आता है, और पॉपुलेशन वाइज और लिटरेसी रेट वाइज जो है वो आपका कम है।
और एक आपका पूछा जा सकता है कांगड़ा का कितना एरिया है। कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा जो है वो पॉपुलेशन पे फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए उसका भी एरिया जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो कांगड़ा का जो आपका एरिया था वो था 5,739 स्क्वेयर किलोमीटर जो है वो आपका कांगड़ा का एरिया था। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो चंबा है उसका जो एरिया था, चंबा का जो क्षेत्रफल था वो था 6,528, शिमला का क्षेत्रफल था 5,131, ऊना का क्षेत्रफल था 1,540, बिलासपुर का क्षेत्रफल था आपका 1,167, मंडी का क्षेत्रफल जो था वो था आपका 3,950, किन्नौर का क्षेत्रफल था 6,401, कांगड़ा का क्षेत्रफल था आपका 5,739। याद रखिएगा क्योंकि पॉपुलेशन वाइज ये सबसे बड़ा जिला है, इसलिए इसका एरिया भी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद आपका आता है सिरमौर। तो सिरमौर का जो एरिया था, क्षेत्रफल था वो था 2,825, कुल्लू का जो एरिया था वो था आपका 5,503, और सोलन का जो एरिया था आपका क्षेत्रफल वो था 1,936। तो ये आपका एरिया, इस सबसे ज्यादा जो आपका ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण एरिया कौन सा है क्षेत्रफल, तो लाहौल स्पीति चंबल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है इनका अर्बन एरिया जो सॉरी इनका जो रूरल एरिया है वो ज्यादा है, और का जो अर्बन एरिया है वो हमीरपुर शिमला और ऊना इनका ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो है वहाँ था आपका पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वाइज आपका कांगड़ा फर्स्ट पोजीशन पे था, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी आपके कांगड़ा की वो थी 1,50,623 जो थी वो आपकी पॉपुलेशन थी कांगड़ा की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और लाहौल स्पीति जो था आपका, ये पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जिला जो है वो आपका है। तो एचपी की 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी की पॉपुलेशन कितनी थी, 60.77 लाख, जो एग्जैक्ट आपका ये है ये भी याद रखिएगा। और जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.59% था, दो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2% डिक्रीज हो गया था। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 60.84 या फिर आपके पास 5 लाख, इतना ही दिया होगा ये अप्रोक्सीमेट। और जो टोटल इसका इतना एरिया जो था, टोटल पॉपुलेशन जो थी एचपी की वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो ये थी जो कितनी थी आपकी अप्रॉक्स 68.84 लाख थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना था, तो एचपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.5% था, जो 2% डिक्रीज हुआ 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और जो आपका पॉपुलेशन वाइज एचपी जो है वो 21st पोजीशन पे था 29 स्टेट्स में से, और यूटी और स्टेट को मिला के जो आपका एचपी है वो 22 पोजीशन पे था। 22 पोजीशन पे क्यों, क्योंकि जो आपकी दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी पॉपुलेशन एचपी से ज्यादा थी, इसलिए स्टेट्स और यूटी को मिला के 22 पोजीशन पे था एचपी था, और सिर्फ स्टेट में आपका एचपी जो है वो 21st पोजीशन पे था। और एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी एचपी की अर्बन पॉपुलेशन शहरी जनसंख्या कितनी है, 10.03%, और रूरल पॉपुलेशन मीन्स की आपकी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है एचपी की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 89.9% जो है आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, और 10.03% जो है आपकी शहरी जनसंख्या। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले भी एलआईएस 11 के पेपर्स में, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो शहरी जनसंख्या है एचपी की, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 10.03%, और जो रूरल पॉपुलेशन है आपकी मीन्स की जो ग्रामीण जनसंख्या है एचपी की वो 89.9%। तो ये दोनों याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एचपी की, ये सब आपका किसके अकॉर्डिंग है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी का जो पॉपुलेशन घनत्व है मीन्स की जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 123% पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि जनसंख्या घनत्व जो था वो था आपका 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, और वर्ल्ड का जो था वो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 42% पर स्क्वायर किलोमीटर। और इससे आपका पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की और लोएस्ट कहाँ की है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है आपके हमीरपुर की, जो आपका एक रूरल एरिया में आ जाता है, रूरल सिटी में आ जाता है। और हमीरपुर जो है आपका, इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी आपकी 406% पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स 406
प्रति 406 प्रति 406 व्यक्ति प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और जो आपका लोएस्ट थी पॉपुलेशन डेंसिटी वो थी लाहौल स्पीति की, जो थी आपकी 2% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो एचपी में जो है वो आपका 972 फीमेल थी प्रति 1000 मेल। और इंडिया का जो सेक्स रेशियो था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो था 940 मेल पर 1000 मेल। और एचपी का जो टोटल लिटरेसी रेट था वो था 82.8%, जिसमें मेल्स का लिटरेसी रेट था 89.53% और फीमेल का लिटरेसी रेट था 75.93%। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो था वो आपका हमीरपुर का था। ये याद रखिएगा कि हमीरपुर और जो आपका हमीरपुर जो है वो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज जाता है, और आपका लिटरेसी रेट में भी जो आपका हमीरपुर है वो हाईएस्ट पे है एचपी में। तो हमीरपुर का लिटरेसी रेट जो था वो था आपका 83.15%। और चंबा जो है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है ये है आपका 72.1%। और इसमें आपका एक और चीज ये याद रखिएगा कि जो आपका लिटरेसी रेट था ये किसने वर्ष से एज का लिया गया था, तो 2011 से पहले जो लिटरेसी रेट था वो आपका लिया जाता था 5 ईयर एंड अबव्स का, लेकिन 2011 का जो आपका सेंसस जनगणना हुई थी उसमें 7 ईयर एंड अबव जो है वो आपका लिटरेसी रेट काउंट किया गया था। मीन्स की लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि सेवन जो लोग पढ़ और लिख सकते हैं वो उनकी एज इन्होंने ली थी 7 ईयर और उससे अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इससे पहले जो है वो आपका 5 ईयर और अब लिया जाता था। तो ये भी याद रखिएगा इसमें। यार हमारे पास आती है कैपिटल डिस्ट्रिक्ट एंड रिवर्स। तो एचपी में जो है वो आपकी 2 कैपिटल्स हैं, पहले सिर्फ शिमला हुआ करती थी, 2017 में आपकी न्यू कैपिटल बनाई है जो विंटर कैपिटल है वो आपकी बनी है धर्मशाला, और समर कैपिटल जो है हमारे पास वो होती है आपकी शिमला। तो धर्मशाला जो है आपकी विंटर कैपिटल बनी थी 90th जनवरी 2017 में। और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है एचपी में, तो टोटल जो है एचपी में वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। 5 रिवर्स हैं हमारे पास एचपी में, रवि, सतलुज, ब्यास, चिनाब और यमुना। सबसे लंबी नदी सतलुज है, और वाटर जिसका वाटर जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो वॉल्यूम भाई जो है वो आपका चेनाब सबसे बड़ी नदी है, और लेंथ भाई जो है वो आपकी सतलुज सबसे बड़ी रिवर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी में कितने सिटीज थी, कितने शहर थे। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी में 59 सिटीज थी, मींस की 59 शहर थे, जिसमें सबसे ज्यादा शहर आपके पास शिमला में है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एचपी की किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज्यादा सिटीज थी, तो शिमला जो है उसमें 11 सिटीज थी। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट जो आपका सिरमौर था, सिरमौर में जो थी वो 3 सिटी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग एचपी में टोटल कितनी सिटीज थी, एचपी में टोटल 57 सिटीज थी। उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है आपका लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एचपी में जो है वो 68 विधानसभा क्षेत्र और 4 लोकसभा क्षेत्र जो है वो है, और 3 जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम कि एचपी में टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, तो 68 जो है वो आपके पास विधानसभा क्षेत्र है, और 4 जो है वो आपके लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और 3 जो है वो राज्यसभा मेंबर है। उसके बाद हमारे पास आता है कि एचपी के फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट चीफ कमिश्नर एंड फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो फर्स्ट सीएम जो थे वो थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो बने थे 24th मार्च 1952 को। 1952 में हमारे पास फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे इंडिया में, और उस टाइम जो है एचपी के सीएम बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इन्होंने ही है जो ये रखा था, आपका प्रस्ताव रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि एचपी को जो है वो स्टेटहुड बनाया जाए। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके पास, सी चक्रवर्ती, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता, और फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर थे पेंड्रल मोना।
और जो आपके श्याम सरन नेगी जिन्होंने 1952 से लेके जो आपके लास्ट अभी जो जब इनकी डेथ हुई थी जो आपके इलेक्शन हुए थे तब तक इन्होंने लास्ट टाइम जो आप अपना वोट डाला था, इनकी डेथ जो वो होगी थी तो 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तब इंडिया के हिमाचल के जो सीएम बने थे वो बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, फर्स्ट गवर्नर एचपीकेसी चक्रवर्ती, फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता एंड फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर जो है वो थे आपके पेंडल मून। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ तो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल का गठन हुआ था। हिमाचल स्टेटहुड कब बनी थी, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था तो आपका जो एचपी है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। और एचपी जो आपकी कौन सी स्टेट बनी थी तो एचपी जो आपकी 18th स्टेट बनी थी इंडिया की 25 जनवरी 1971 में। डिमांड रखी थी आपके सीएम, हमारे सीएम जो थे फर्स्ट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उन्होंने डिमांड रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हिमाचल को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने 31 जुलाई 1974 लोकसभा में अनाउंस किया था एचपी को एज अ स्टेटहुड एंड दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट ने पास किया स्टेट ऑफ एचपी एक्ट 1967। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ एचपी एक्ट 1967 पार्लियामेंट ने कब पास किया था तो स्टेट ऑफ एचपी एक्ट 1967 पार्लियामेंट ने पास किया था दिसंबर 1970 में। और 21 जनवरी 1971 को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इस दिन जो है आपके प्रियम इंदिरा गांधी जो है वो शिमला आई थी, उस टाइम काफी सारा स्नो हुआ था, उस टाइम उन्होंने शिमला में रिज पे आके जो है वो अनाउंस किया था एचपी को एज अ स्टेट हुए और एचपी जो है आपकी 80th स्टेट बनी थी इंडिया की। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनका हेडक्वार्टर उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी अदर प्लेस में है, बाकी जैसे आपका मंडी है मंडी का हेडक्वार्टर मंडी में है, शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में है, चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में है, रिमेनिंग में सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट है आपकी तो याद रखते हैं बाकी का उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में। तो कांगड़ा के हेडक्वार्टर जो है वो जिला मुख्यालय जिनको बोला जाता है वो आपका धर्मशाला में है, सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नाहन में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रिकांगपियो में है और लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है जिला मुख्यालय वो आपका केलोंग है, बाकी आपका मंडी का मंडी में है, शिमला का शिमला में ही है, सोलन का हेडक्वार्टर सोलन में और रिमेनिंग जो आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बन गई उन सबका जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में है आपका। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, बाकी का जो जहाँ पे है वहीं पे ही है डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका हेडक्वार्टर वही है। कांगड़ा का आपका धर्मशाला है, सिरमौर का नाहन है, किन्नौर का रिकांगपियो और लाहौल स्पीति का केलोंग, ये 4 याद रख लीजिएगा बस काफी है। थैंक यू, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एचपी की नई वीडियो के साथ और ये हम स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करेंगे एचपी का। ये आपका सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एचपी का, नेक्स्ट वीडियो में हम एचपी का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।